गाइस, हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं, उसके प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ थोड़ा अलग जानने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको आर्डिनो ड्राइव में जो हमारे लिए एक अपडेटेड फीचर जो आया है, मैं उसको आज डिस्कस करने वाला हूँ। और डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर उनके पास किसी अदर ब्रांड का फ़ोन है, मान लीजिए सैमसंग से अदर ब्रांड, या सैमसंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी कि कोड अपलोड करने के टाइम उन्हें दिक्कत आ रही थी कि कोड अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आज इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे कि कैसे इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, और इसके अपडेटेड फीचर्स को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जो जिस एप्लीकेशन का बात करने वाले हैं वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन, जिसे हम लोग आर्डिनो ड्राइव कहते हैं। इसे हम लोग यूज़ करते हैं आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए। तो अब गाइस, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं इसके ओल्ड फीचर्स के बारे में, जैसे कि पहले इसमें क्या क्या फीचर्स था उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको न्यू और अपडेट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो जो प्रोग्रामिंग करने टाइम हम लोगों को एरर मिल रहा था, अपलोड नहीं हो पा रहा था प्रोग्राम, हम लोग उसको समझेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलिए समझते हैं ओल्ड फीचर्स के बारे में कि इंटरेस्टिंग फीचर्स जो ओल्ड फीचर्स था उस वो क्या क्या है इसमें। तो हम लोग ऊपर से राइट में, आप लोगों को टॉप राइट में आपको जाना है 3 डॉट में, उसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे सर्च है, फाइल है, एडिटिंग, एक्शन, ये सब सारे ऑप्शन अब हम लोगों को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्केच वाले में, स्केच वाले सेक्शन में हम लोग जाएंगे जैसे, तो इसमें आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, जैसे स्केच न्यू, ओपन, ओपन वाले में हम लोग जाएंगे तो इसमें बहुत सारा रिसेंट वर्क जो भी हम लोग कर रहे थे, जो भी पहले की डेट में जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो भी हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट में फ्रॉम डिवाइस, फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, फ्रॉम गूगल ड्राइव, आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन है। रिसेंट में मान लीजिए, रिसेंट में हम लोग जाएंगे तो हम लोग अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में चले जाएंगे, वहाँ से हम लोग अपने कोड को उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर ड्राइव, डिवाइस से उठा सकते हैं, रिसेंट से उठा सकते हैं। अब फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, ये सारे फीचर्स हम लोगों को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट फिर से हम लोग उसी सेक्शन में जाएंगे, अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेव एज, इसमें आप लोग सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ये उसको नाम उसके टाइटल को अलग अलग चेंज करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं सेव प्री कंपाइल्ड, क्लोज, डिलीट, अगर कोई सा भी आप लोगों को प्रोग्राम को डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप लोग अपने फाइल मैनेजर में भी जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल्स, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, एग्जांपल में हम लोग जाएंगे तो इसमें बहुत सारे कैटेगराइज्ड कर दिए गए हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 बेसिक डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन। आप लोगों को अपने पर्पस से जो भी प्रोग्राम करना है आप लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, और आप लोग खुद से भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बेसिक्स में हम लोग चलते हैं, बेसिक में आप लोग देख सकते हैं एनालॉग रीड सीरियल है, बेयर मिनिमम है, ब्लिंक है, ब्लिंक वाला जो प्रोग्राम हम लोग काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं वो है डिजिटल रीड सीरियल, फेड, एनालॉग रीड वोल्टेज, ये सारे आप लोगों को बेसिक प्रोग्राम मिल जाते हैं। अब फिर से हम लोग उसी सेक्शन में जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ सेंसर, डिस्प्ले, स्ट्रिंग, USB, आप लोगों को USB से कुछ काम लेना है तो ये इसके बारे में आप मैं आगे और आप लोगों को डिटेल में वीडियो बना के बताऊँगा कि USB को कैसे में यूज़ में लेते हैं। स्टार्टर किट हो गया, बेसिक किट हो गया, आप लोग इसमें जाएंगे तो इसमें बहुत सारा है, लवोमीटर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वो मूड इंडिकेटर है, ये सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आप लोगों को पहले से बना के दिए जा रहे हैं और आर्डिनो ड्राइव की तरफ से। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन की तरफ, स्केच वाले में ही जाएंगे हम लोग फिर से। अब यहाँ पर आप लोग सबसे बॉटम में आप लोग देख सकते हैं लाइब्रेरी एग्जाम्पल, अब इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन खुलते हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरी, यूज़र लाइब्रेरी और प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी। इसमें आप लोग देख सकते हैं बिल्ट इन वाले में हम लोग जाएंगे तो बिल्ट इन जो भी लाइब्रेरी है, जैसे ब्रिज है, कैपेसिटिव सेंसर है, ईथरनेट है, GSM है, लिक्विड क्रिस्टल है, ये सारे आप लोगों को लाइब्रेरीज मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया है इससे पहले वाली वीडियो में, आप लोग उससे जाके हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप लोगों को और अच्छे डिटेल में चाहिए तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइब्रेरी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग उस वीडियो का वेट कर लें। तो गाइस, ये हो गया वाईफाई, TFT, स्टेपर, ये सारे आप लोगों को लाइब्रेरी मिल जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया स्केच वाला, फाइल वाले में हम लोग जाएंगे
तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं फाइल में न्यू रीनेम, आप लोग अपने कोड का रीनेम कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सेटिंग में अब हम लोग चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दो टाइप से सेटिंग मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बोर्ड टाइप में चलते हैं, तो बोर्ड टाइप में आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे ESP8266 का अपडेट आ चुका है। मतलब कि पहले क्या होता था, हम लोग ऑर्डिनो ड्राइव से सिर्फ हम अपने ऑर्डिनो को ही प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन अब इधर 8 से 10 दिन पहले हमें अपडेट मिला है ऑर्डिनो ड्राइव की तरफ से, जिसमें हम ESP8266 बोर्ड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आगे इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। हम लोग चलते हैं डीजी स्टम्प के ऊपर। आप लोगों के पास अगर डीजी स्टम्प बोर्ड है तो आप लोग उससे उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑर्डिनो की तरफ। ऑर्डिनो में आप लोग देख सकते हैं ये सारे आप लोगों को ऑर्डिनो बोर्ड मिल जाते हैं। तो गाइज ये थे आप लोगों को कुछ ओल्ड फीचर्स। अब हम लोग फिर से जाएंगे सेटिंग में। अब हम लोग चलते हैं ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग में हम लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं थीम। अब थीम के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग जैसे ही फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हैं तो 7 से 8 दिन के लिए आप लोगों को फ्री दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को कुछ पैसे पेड करने पड़ते हैं, तब हम लोगों को बहुत सारे फीचर्स और मिल जाते हैं, जैसे कि थीम हो गया और भी एडिशनल फीचर्स हम लोगों को मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ से फॉन्ट फैमिली भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेस्लो है, अभी जो हमारा जो फॉन्ट फैमिली है ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है कलरफुल में मेस्लो है। इसको हम लोग सैंस सेरिफ भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरा फॉन्ट बदल चुका है, तो अभी हम लोग इसको मेस्लो ही पे कर देते हैं। अब फॉन्ट साइज़ पे आते हैं। फॉन्ट साइज़ हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैंने सबसे मिनिमम किया है 10 पे। अब आप लोग इस पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप लोग 11 भी कर सकते हैं, 12 भी। आप लोग यहाँ मैक्सिमम 26 मिल जाता है, तो मुझे यहाँ पे 10 रखना है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे लाइन नंबर है, आप लोगों को लाइन नंबर लेफ्ट में चाहिए तो आप लोगों को लाइन नंबर भी मिल जाता है। जनरेट न्यू स्केच नेम, यूज टैब एज इंडेंट कैरेक्टर, ये सब अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये इंडेंटेशन ये सब क्या होते हैं। इंडेंट कैरेक्टर काउंट, ऑटो पेयरिंग, ये सब आप लोगों को फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो गाइस ये हो गया हम लोगों को कुछ बेसिक्स जो भी कि हम लोगों को बहुत पहले से मिलते आ रहे हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि अपडेटेड फीचर्स में क्या क्या आया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया गाइस कि हम लोगों को अपडेटेड फीचर्स में ESP8266 का अपडेट हम लोगों को मिल चुका है फाइनली। तो हम लोग सिंपली से जाएंगे सेटिंग में, उसके बाद जाएंगे बोर्ड टाइप में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ESP8266 बोर्ड आप लोगों को इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे बोर्ड हम लोगों को मिले, आप लोग अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से बोर्ड को चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए ये स्पेक्ट्रो कोर, अगर मेरे पास ये बोर्ड है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन खुलेगा, जैसे CPU फ्रिक्वेंसी है, वी टेबल्स है, एक्सेप्शंस है। ये सब आप लोग अपने जो भी आपने बोर्ड मंगाया है उसको आप लोग गूगल करना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग को PDF डाउनलोड करके, या फिर आप लोग उसके गूगल पे जाके किसी पेज पर आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि आपने भी जो भी मंगवाया है बोर्ड ESP8266 का वो कौन सा फीचर्स को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए 160 मेगाहर्ट्ज़ है, 80 मेगाहर्ट्ज़ का भी आता है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास 80 मेगाहर्ट्ज़ का बोर्ड है तो 80 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। तो गाइज ये था नया फीचर्स, और भी आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं सेंटर में एडिटर है। अब इसमें हम लोग चलते हैं नेविगेशन में, तो इसमें हम लोगों को नेविगेशन में भी बहुत सारे अपडेट मिला है। जैसे कि हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन में और भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो गाइज़ ये था अपडेटेड फीचर्स। अब सबसे लास्ट टॉपिक को हम लोग टच करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि मान लीजिए मेरे पास ऑर्डिनो का जो मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्डिनो नैनो मैंने ख़रीदा है, तो ऑर्डिनो नैनो में दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है नॉर्मल वाला और एक आता है उसका प्रोग्रामर जो रहता है CH340G वाला, तो उसमें दिक्कत आता है, तो हम लोग देख नहीं पाते हैं कि हमारे पास कौन सा है। तो हम लोग देखने के लिए उसमें ऑर्डिनो में आप लोग जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डिनो को जैसे ही हम लोग पलटेंगे तो उसमें एक प्रोग्रामर चिप होता है, उसको आप लोग देख लीजिए कि उसमें आप लोगों का प्रोग्रामर कौन सा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर CH340 अगर होगा
तो आप लोगों को सेटिंग में सिंपली से जाना है, उसके बाद बोर्ड टाइप में जाने के बाद हम लोगों को ऑर्डिनो में जाना है। अब मैंने क्या बताया, ऑर्डिनो नैनो है हमारे पास, तो हम लोग स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्डिनो नैनो के लिए नैनो W/@Mega328 नैनो में 328 चिप होता है माइक्रो कंट्रोलर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CS340G। हम लोग यहाँ सिंपली से यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ से अपलोड हो गया प्रोग्राम को हम लोग अपलोड करेंगे। अगर प्रोग्राम अपलोड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, मान लीजिए इन केस आप लोगों को एरर फिर भी देखने को मिल रहा है, तो हम लोग फिर से सेटिंग में जाएंगे। और सेटिंग में जाने के बाद, बोर्ड टाइप में जाने के बाद, आप लोग फिर से ऑर्डिनो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने सेलेक्ट किया था CS340G। अब उसके नीचे आप लोग देखेंगे सेम नाम है @Mega Nano W/@Mega340G ओल्ड बुट लोडर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ओल्ड बुट लोडर, तो यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम, पहली बार में प्रॉब्लम आ रहा है अपलोड करने में कि एरर आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ओल्ड बुट लोडर वाले में जाकर आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइज़ ये थे कुछ ऑर्डिनो ड्रॉइड के न्यू एंड अपडेटेड फीचर्स। हमने इस वीडियो में बात किया है ओल्ड फीचर्स के बारे में जो कि हम लोगों को पहले से मिलते आ रहे थे। न्यू फीचर जैसे कि ऑर्डिनो ड्रॉइड में हम लोगों को ESP8266 बोर्ड का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, और हम लोगों को बहुत सारे फीचर्स जैसे कि मान लीजिए नेविगेटर के लिए हम लोगों को यहाँ पे अपडेट देखने को मिला है, और भी बहुत सारे टूल्स का अपडेट देखने के लिए मिला है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर ज़्यादा डिटेल में पूछना है तो आपने मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप लोग मुझसे वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों का आंसर वहाँ करूँगा। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ऑर्डिनो में बोर्ड, ऑर्डिनो बोर्ड को कोड अपलोड करने में, तो उस प्रॉब्लम, तो गाइस उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।